वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में यूनिट 2 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3 के एमसीक्यूज को। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है एसोसिएटेड एंगल का, उसमें अलग अलग जो एंगल है साइन कोस टेन जो रेशियोज है अलग अलग क्वाड्रेंट में, उनके किस क्वाड्रेंट में उनका साइन क्या होगा, और फिर हम मोर देन 360 जो एंगल है 360 से भी ज़्यादा एंगल अगर होता है तो फिर हम उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से निकालते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी उस वीडियो में बताया था, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एमसीक्यू में जो पहला है, देखें, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2 देन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, जो साइन थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस है ना, नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, कौन से क्वाड्रांट में होता है, तो साइन थीटा जो नेगेटिव होता है वो तीसरे या चौथे क्वाड्रांट में होता है, ठीक है, तीसरे या चौथे क्वाड्रांट में। तो साइन अगर हम देखेंगे 1/2, तो 1/2 जो है ये साइन कितना का वैल्यू है, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू, किसका वैल्यू, साइन 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री है। अब अगर हम देखें कि 30 डिग्री अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में लेते हैं तो साइन का वहाँ पे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर हम तीसरा क्वाड्रेंट में जाएंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट में क्या है कि पहले दो क्वाड्रेंट में जाएंगे उसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट में 30 तक जाना होगा। तो पहले दो क्वाड्रेंट में अगर हम क्रॉस करते हैं तो वो 180 डिग्री होगा, और उसके बाद फिर जो है 30 डिग्री हमें ऐड कर देना पड़ेगा। तो 180 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम चौथे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो चौथे क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो 360 से हमें जो है वो माइनस करना पड़ेगा 30 को, या फिर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है तीन क्वाड्रेंट को क्रॉस करके हम फोर्थ में जाएंगे तो तीन क्वाड्रेंट तक 90 90 90 आएगा, यानी 270 डिग्री, है ना, 270 आएगा। उसमें अगर हम 30 ऐड करेंगे तो वो 300 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 300 का कहीं ऑप्शन नहीं है, तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको लिखेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं, इस तरह से लिख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/2, और उसके बाद साइन थीटा माइनस लिखेंगे 1/2 यानी साइन 30। अब इस हिसाब से देखेंगे कि ये जो 30 है साइन नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट या चौथा होगा, तो तीसरा क्वाड्रेंट ही यहाँ पे होगा। ये पहला क्वाड्रेंट, ये 90 क्रॉस हुआ, फिर 90 हुआ, ये 180 हो गया, है ना, यहाँ तक 180 के बाद और 30 होगा तीसरा क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो साइन 30 ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो 180 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 180 प्लस 30 हो जाएगा साइन 210 होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 210, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा आ जाएगा 210 डिग्री, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 540 इक्वल्स टू कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे सभी ऑप्शन में थीटा होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा लिख दिया, ये थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो ये एंगल है 540 इसको हम सबसे पहले लेके आएंगे, थीटा को बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेने से क्या होगा, ये पहले आ जाएगा ये बाद में हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है, अब हम यहाँ से देखें कि साइन माइनस ये पूरा एंगल को आप थीटा समझे, तो साइन नेगेटिव में जब होता है तो क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस जो है वो समझिए बाहर आ जाता है, तो इसका साइन माइनस में ये है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे साइन 540 माइनस थीटा। अब 540 जो है इसको हमको 90 के इंटू में लिखना पड़ेगा, है ना, तो ये आप देख सकते हैं 540 जो ये हो जाएगा 90 × 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 × 9 = 54, 540, तो 540 इंटू थीटा, ये माइनस ही रहा। अब यहाँ पे देख लें कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रांट में ये एंगल आ रहा है, सबसे पहले कौन से क्वाड्रांट में, तो 90 कितने मरतबा, 6 मरतबा है, तो यहाँ से हम देखेंगे क्वाड्रांट
एक दो तीन चार, चार मरतबा में पूरा एक सर्कल हो जाता है चौथा क्वाड्रेंट, चार पाँच पाँच और ये छः, छः क्वाड्रेंट हो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के बाद फिर माइनस थीटा है यानी जो है ये इसी क्वाड्रेंट में होगा ना, कुछ माइनस हो रहा है यानी वापस ये यहाँ तक आ जाएगा यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या था हमारा फॉर्मूला, ऑल साइन टेन कोस है ना, तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव ही रहेगा तो इसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। प्लस यहाँ पे देखें 90 जो साथ में जो नंबर ये इवन नंबर है तो फिर साइन साइन में ही सेम रहेगा है ना, चेंज नहीं होगा। अगर ये इवन होता तो साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। अगर ये ऑड रहता है तो साइन कोस में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इवन है तो साइन साइन ही रहेगा और ये थीटा साइन थीटा, ठीक है। और साथ में पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होगा यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये साइन जो पहले का था वो पहले का, तो माइनस साइन थीटा इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1035 डिग्री इक्वल्स टू 0.7 देन 10 माइनस 665 इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए 1035 का वैल्यू दिया हुआ है 0.7, 10 माइनस 665 मतलब क्या, 10 माइनस थीटा है तो माइनस 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस यहाँ लिख लेंगे पहले, फिर 10 665। अब इसको हमें 90 के इंटू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको हम 90 से डिवाइड कर लेंगे तो 665 है, 90 से डिवाइड करेंगे 9 7 63 630 आ जाएगा, ठीक है। और इसको माइनस कर लेंगे 35 बचेगा यानी 90 जो होगा वो 7 टाइम्स होगा और उसके साथ प्लस और 35 होगा है ना, 90 × 7 630 प्लस 35 665 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम देखें ये माइनस पहले का है, ये देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल, तो 97 टाइम्स है यानी यहाँ तक हो गया आपका 4 टाइम्स, यहाँ तक 4 5 6 और ये 7 टाइम्स हो गया, ठीक है। 7 टाइम्स यानी ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट में है, यहाँ तक 97 टाइम्स कंप्लीट हुआ और इसमें प्लस 35 यानी थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 जो होता है नेगेटिव होता है तो फिर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ये देखिए ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने से 10 भी चेंज हो जाएगा कोट में तो कोट 35 होगा, ठीक है। अब ये देखें माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कोट 35 है जबकि वैल्यू दिया था 1035 का, तो ये हो जाएगा कोट 35 मतलब क्या होता है 1/1035, तो 1/1035 का वैल्यू 0.7, ठीक है। तो इसको अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा नीचे 7 हो जाएगा, तो 10/7 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो क्या आंसर बुक में दिया है डी वो गलत होगा, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कोट -870। तो ये देखिए कोट माइनस थीटा होने से क्या, तो माइनस बाहर आ जाएगा है ना, 10 के जैसा ही होगा माइनस बाहर आ गया, कोट 870। अब इसको 90 से आप ये कर ले तो ये 870 है, तो 90 से करेंगे 9 9 81 810 होगा, 810 प्लस 60 870 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देख ले माइनस रहा, अब ये 99 टाइम्स यानी यहाँ तक तो एक बार राउंड हो जाएगा तो 4 बार होगा है ना, 90 4 मरतबा, फिर और एक राउंड लेगा तो 8 मरतबा हो गया, फिर एक और राउंड लेगा 9 मरतबा, 9 टाइम्स हो गया 9 मरतबा और प्लस 60 है तो और थोड़ा आगे आ जाएगा यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है क्योंकि साइन ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो कोट नेगेटिव होगा तो एक और नेगेटिव साइन आएगा। प्लस यहाँ पे आप देखें कि ये 90 जो है यहाँ ऑड है ना, ऑड नंबर है तो फिर ये कोड भी चेंज हो जाएगा, कोड चेंज हो गया 10 हो जाएगा 1060, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1060 मतलब हो जाएगा √3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कोस -1170। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, कोस माइनस थीटा है तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, सिर्फ कोस में ही क्या होता है माइनस साइन ये समझ लीजिए कि अब्जॉर्ब हो जाता है, कोस ख़त्म हो जाता है यानी कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, ठीक है ना, कोस माइनस थीटा कोस थीटा के साथ इक्वल ही होता है, तो ये फिर माइनस हट जाएगा कोस
1170। तो इसको भी हम 90 से डिवाइड करेंगे, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 91 जा 90 27 आएगा, 0 93 जा 270। ठीक है, तो 13 टाइम्स में पूरा ये कैंसिल हो गया, तो कोस 90 × 13 है ना, तो पूरा कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, तो प्लस या माइनस ज़ीरो कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, प्लस ज़ीरो हम कर लेंगे। ठीक है, अब ये 90 कितना है, 13 टाइम्स है, यानी ये एक राउंड में 4, फिर और एक राउंड में 8 और एक राउंड में 12 और एक 13 आ गया, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कंप्लीट हो गया 13 टाइम्स। उसके साथ प्लस ज़ीरो करेंगे तो आगे तो नहीं जाएगा, यहीं हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ले लेंगे हम, और उसके साथ ये 13 है, ये ऑड नंबर है, तो कोस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन ज़ीरो होगा। ठीक है, और ये तो मैंने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, अब साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ सेक -945। तो देखिए सेक -945, तो ये कोस के जैसा ही है ना, उसका रेसिप्रोकल है सेक, तो सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा ही होगा। ठीक है, जैसा कोस का होता है, माइनस साइन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सेक 945। और इसके बाद इसको 90 के इसमें हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 900 हो जाएगा ना, 945 होगा, तो 90 × 10 होगा प्लस 45 है ना। अब यहाँ पे 90 कितना, 10 टाइम्स है, 10 मरतबा है, प्लस 45, तो 10 मरतबा यानी ये 8 मरतबा में यहाँ तक हो जाएगा, दो बार दो राउंड लेगा, और उसके बाद और दो मरतबा 90 ये हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस 45 तो और आगे बढ़ जाएगा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन 10 यहाँ पे पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव नहीं होता, तो सेक नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और उसके साथ यहाँ पे देखिए ये इवन नंबर है, 10 जो इवन नंबर है, तो सेक में ही रहेगा सेम, सेक 45 होगा। ठीक है, अब सेक 45 का वैल्यू √2 होता है, और ये माइनस साइन पहले का -√2, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कोस 5π/2 -19π/3। तो स्टूडेंट इसको बनाने के लिए हम जस्ट पाई का वैल्यू जो है 180 डिग्री यहाँ पे हम पुट करके भी बना सकते हैं, या पहले एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। तो हम चले एलसीएम ले लेते हैं, 2 × 3 का एलसीएम 6 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 6 3 × 5 15 15 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 6 2 से इंटू करेंगे 19 पाई को, 38 पाई होगा। इसको माइनस करेंगे 38 से 15 माइनस होगा, तो ये -23 होगा, है ना, माइनस बड़ा है, -23 पाई होगा। इसके बाद कोस माइनस थीटा जैसा है, तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब पाई का वैल्यू चले पुट कर दे, तो पाई का वैल्यू 180 यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं पाई रेडियन का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 से काटेंगे 30 हो जाएगा 30 × 23 हो जाएगा 690। ठीक है, 690 अब इसको फिर से हम 90 के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे वही होगा 19 × 7 630 होगा, 630 प्लस 60 690 होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि तो 97 टाइम्स है, यानी ये 4 टाइम्स हो गया, 4 मरतबा एक राउंड होगा, 4, 5, 6, 7 मरतबा होगा, और उसके साथ प्लस 60 यानी आगे बढ़ जाएगा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव के लिए प्लस होगा साइन, और ये ऑड नंबर इसलिए कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन 60 होगा। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4xy/x + y² इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो है ये ट्रू होगा कब होगा, इनमें से कौन से कंडीशन पे। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है, यहाँ से हम थोड़ा कोस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, जस्ट ये पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल होता है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा x + y² / 4xy। अच्छा, कोस थीटा हो या साइन थीटा हो, इसका वैल्यू जो होता है हमेशा लेस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसका स्क्वायर भी लेस इक्वल टू 1 ही होगा,
तो वी नो देट कॉस स्क्वायर थीटा लेस इक्वल टू वन। इसके बाद हम यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे, इसका वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई फोर एक्स वाई। तो ये हो जाएगा लेस इक्वल टू वन, फोर एक्स वाई को वन से इधर मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स वाई होगा। इसको इसके बाद इनइक्वालिटी के साइन के इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई लेस इक्वल टू जीरो। तो ये आप देखेंगे ये फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, तो ये हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, लेस इक्वल टू जीरो। अब ये कब ट्रू होगा, विच इज़ ट्रू कब होगा, इफ़ ये उसी वक्त पॉसिबल है जब एक्स और वाई सेम होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू इसका जो स्क्वायर है ये क्या है, ज़ीरो से छोटा है या जीरो के इक्वल है। तो देखिए कभी भी होल स्क्वायर तो कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी भी नहीं होता, कभी भी कोई भी चीज़ का होल स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी जीरो से छोटा नहीं होगा। तो ये जीरो ही होगा, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो जीरो ही होगा, ठीक है। और जीरो कब पॉसिबल होगा, जब दोनों सेम होगा, एक्स और वाई दोनों सेम होने से माइनस हो के जीरो हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो जीरो ही होगा। तो विच इज़ ट्रू कब होगा, जब एक्स इक्वल टू वाई होगा, ठीक है। और उसके साथ एक और कंडीशन होगा, ये जो एक्स है दोनों तो सेम होगा, अब चाहे एक्स ले चाहे वाई ले, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का मतलब है कि एक्स और वाई का वैल्यू सेम होगा, मतलब हो सकता है ये दो हो ये दो हो तो दो माइनस दो जीरो होगा, ये तीन हो ये तीन हो, तीन माइनस तीन जीरो होगा, इस तरह से, ठीक है। और उसके साथ साथ एक सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है जीरो माइनस जीरो जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। लेकिन एक्स जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे x के जगह जीरो में, तो ये नीचे वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, फोर इंटू जीरो इंटू वाई ये जीरो हो जाएगा, और समथिंग बटा जीरो क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो अनडिफाइन वो लेस इक्वल टू वन नहीं हो सकता, इसलिए x जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जीरो छोड़ के कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, इफ़ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स देन कोस थीटा इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा। तो देखिए स्टूडेंट, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स दिया हुआ, इसको हम इक्वेशन नंबर वन लिख लेंगे। हमें एक फॉर्मूला पता है क्लास टेन का, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इसको तोड़ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू वन। अब इसमें से प्लस वाला का वैल्यू दिया हुआ ई टू द पावर एक्स, यानी इसका वैल्यू है ई टू द पावर एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन। ई टू द पावर एक्स को वन की तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बाई ई टू द पावर एक्स, नीचे आ जाएगा वन बाई ई टू द पावर एक्स। मतलब क्या, इसको अगर ऐसे लिखेंगे ई का पावर माइनस एक्स होगा, है ना, क्लास नाइन का फॉर्मूला इंडिसेस का, वन बाई ई टू द पावर एक्स मतलब ई का पावर माइनस एक्स। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, देखेंगे कि ये जो यहाँ टेन थीटा प्लस में या टेन थीटा माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और सेक थीटा दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टू सेक थीटा हो जाएगा, इस तरह में ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से टू को इधर लेके आएंगे तो सेक थीटा क्या जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू होगा। तो कोस थीटा क्या होगा, सेक थीटा का उल्टा होगा, तो ये पलट जाएगा और टू ऊपर में हो जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, तो इस कोस थीटा का वैल्यू ये वाला होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और जो कुछ मैंने सॉल्व किया इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के जो टू मार्क्स या थ्री मार्क्स फोर मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं जस्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है टिक करवाया है, जो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना, तो मैं उन्हीं पे फोकस करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये टिक किया, ये टिक किया, जो जो मैं टिक किया सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करूँगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से तो मतलब जो है कई वीडियो बनेंगे, कई वीडियोस बनेंगे, और फिर इस तरह से सिलेबस भी कभी कवर नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।